आज के प्रोग्राम का नाम है जनता की आवाज। अलवर जिले के तिजारा क्षेत्र में न्यूज नाम की टीम ने जाकर विकास कार्य की बातों को ग्रामीणों से और जनता से की चर्चा। वहाँ के ग्रामीणों जनता ने न्यूज नाव की टीम को बताया कि जनता को दूसरी पार्टी का नेता चाहिए जो विकास कार्यों को आगे बढ़ाए, बहुमुखी विकास करे। तो जनता की जब राय हुई तो जनता और ग्रामीणों ने मीडिया की टीम को बताया कि पहले जो यहां से भाजपा से सांसद चांदनाथ जी महाराज से उन्होंने अलवर जिले के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया। ग्रामीणों में अभी भी स्थिति खराब है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बेरोजगार हो रहे हैं लोग। तो वहाँ की स्थानीय जनता और ग्रामीणों ने बताया कि अब हमको बसपा प्रत्याशी इमरान खान जैसा व्यक्ति चाहिए और पार्टी दूसरी नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये चुनाव भी नहीं लड़ा था तो इन्होंने जनता के लिए और ग्रामीणों के लिए कई लोगों को रोजगार दिया है। बसपा के युवा नेता प्रत्याशी को जनता ने चुन लिया है। ग्रामीण और जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार इमरान खान को भारी बहुमत से जिताना है। यही युवा बसपा प्रत्याशी इमरान खान पूरे जिले का, अलवर जिले का विकास करवा सकते हैं। जनता और ग्रामीणों ने मीटिंग करके ये मन बना लिया है कि अब की बार बसपा प्रत्याशी इमरान खान को एकजुट होकर विजय हासिल करानी है, क्योंकि अब जनता और ग्रामीण के लोग समझ चुके हैं कोई भी सांसद बन जाता है लेकिन विकास कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए जनता को इमरान खान जैसा सांसद चाहिए जो ग्रामीण की समस्या के मुद्दों को उठा सके और अलवर जिले में जो विकास कार्य रुके हुए हैं, जो पहले विकास कार्य नहीं हुए हैं, वो विकास कार्य बसपा के प्रत्याशी इमरान खान करवाएंगे। अलवर से रूपेश शर्मा की रिपोर्ट। पर बसपा से प्रत्याशी इमरान खान को किस तरह का वोट मिलना चाहिए, हम ग्रामीण से बात करते हैं। क्या उम्मीदें हैं आपको, आपके यहाँ से इमरान खान जी हैं, उनको टिकट मिली है, क्या उम्मीदें हैं गांव में? ऐसे विकास कौन से नहीं है जो विकास नहीं हुए हैं? गांव में सभी तरह का विकास किसी प्रकार का बीजेपी सरकार ने हमारे नहीं किया, और ये स्थानीय नागरिक है, हमारा पड़ोसी है, तो और कुल मिला करके अच्छा आदमी है, इसलिए वोटिंग हम सभी करेंगे। और जहाँ तक मैं एससी से ताल्लुक रखता हूँ, एससी समाज सारा बसपा के साथ जुड़ा हुआ है। क्या उम्मीदें रखते हैं आप इमरान खान से? इमरान खान के साथ हैं, और भाई जो ये दोनों पार्टी हैं ये जुगलाबाजी है, ये झूठ बोले हैं, वादा करो जो सारे झूठी करे। और भाई इमरान खान हमारा पड़ोसी भाई है और हमारा गाँव का है, पड़ोसी है, और वाकूफ जो भी किस तरह का विकास होना चाहिए यहाँ पर, बढ़िया। पहले जो विकास नहीं हुआ रुक गए थे, रुक विकास हुए, भाई क्या उम्मीद रखते हैं आप विकास? भाई इमरान खान करवाएगा, पूरा करेंगे, पूरा काम करेगा। क्या नाम है आपका? इंदर। और पंचायत हमीरा का 90% वोट यही लेगा यहाँ से तो इमरान भाई, और ये सब भी बड़े लोग हैं, इनसे यार कुछ कम होता नहीं, बस जबरदस्ती टिकट के कौड़ी में भर के बैठ जाते हैं। ये नहीं देखते भाई किसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी है, जिसका माहौल होना होता है, जिसको जनता चाहती है उसके लिए टिकट देना चाहिए। ये लोग पावर वाले लोग हैं, अपने पावर से टिकट को ले आते हैं, जनता नीचे रोते रहे कोई सुनने वाला है नहीं, तो इसलिए हमें हमारे यहाँ के लोगों ने अपने सब ने यही फैसला किया है कि हमको स्थानीय लीडर चाहिए, अपने बीच का आदमी चाहिए जो अपने से बात कर सके, बिठा सके। ये लोग मिलते नहीं हैं, ढूंढते रहो घूमते रहो इनके पीछे, कोई सुनने वाला है नहीं। ओके, बंद कर दे। मुद्दे हैं यहाँ पर, क्या समस्या है मुख्य यहाँ पर, जैसे पानी की होती है, बिजली की होती है, क्या समस्या है? समस्या है अलवर लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी सारी है। मेन तौर पे जैसे कल हमारा दौरा था इधर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, तो वहाँ पे सड़कें गांवों में इतनी सकड़ी हैं कि बड़ी मुश्किल से, मतलब वापसी एक अगर कार रास्ते में से जा रही है तो बाइक साइड नहीं ले सकती, इस तरह की दिक्कतें हैं। पानी की वहाँ पर भयंकर दिक्कतें हैं, तो मेन मुद्दे यही रहेंगे हमारे तो कि सड़क और पानी ये जनता को मिले, जहाँ बिजली नहीं, बिजली की तो खैर ऑलमोस्ट दिक्कत है नहीं, मेन तौर पे रोजगार विकास कहीं भी नहीं हुआ है अलवर लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ तक हम समथिंग आठों विधानसभाओं में हम घूम घूम के देख रहे हैं, तो मेन तौर पे जैसे राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र ये तो बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ जाके कल ऐसा महसूस हुआ कि अपन कहीं MP में आ गए, मरुस्थल में आ गए हैं, तो लोगों का जो पहले भी यहाँ से सांसद रहे हैं उनका ध्यान उस तरफ गया नहीं अभी तक। अब क्या उम्मीदें हैं आपको? जो हम इमरान खान जी पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं और उनके पास BTech की डिग्री है और बड़े जागरूक नेता हैं, वो राजनीति में एक्टिव हैं काफ़ी टाइम से और ज़मीन से उठे हुए लोग हैं, ज़मींदार किसान के घर में जन्म लिया है, तो जनता की परेशानियों को अच्छी तरीके से भली भांति समझते हैं, जानते हैं। मैं समझता हूं अगर जनता इस बार मौका देगी
जिस हिसाब से लग रहा है हमें घूम घूम के, हमने जो चारों तरफ देखा है जनता का, जिस तरीके से समर्थन और सम्मान इमरान भाई साहब को मिल रहा है, उस हिसाब से ये है कि इमरान भाई का संसद बनना लगभग तय है। अलवर की जनता ने ये ठान लिया है, तो अलवर क्षेत्र का पूरी तरीके से बहुमुखी विकास होगा इमरान भाई के नेतृत्व में, ये हम आश्वासन देते हैं पूरी जनता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमालुद्दीन है। क्या प्रत्याशी है, बसपा से टिकट मिली है, क्या उम्मीदें रखते हैं आप, किस तरह का विकास होना चाहिए? विकास इमरान जी ने पहले ही ऑलरेडी राजनीति में आने से पहले ही करवा रखा है, और लगभग 15-20 हज़ार लोग काम करते हैं, सभी यहीं के हैं, सबको रोजगार दिया है, और मुझे लगता है कि इमरान जी को जीतने के बाद और ज़्यादा रोजगार देंगे। जो लोग सरकार में रहकर रोजगार नहीं दे सकते, इस भाई साहब ने उसको वैसे ही रोजगार दिया है। किस तरह के विकास होना चाहिए, किस तरह के विकास? यह है कि हमारे यहाँ दलितों को और मुस्लिमों को सबको अलग रखा गया है, सिर्फ उनको वोट चाहिए और उनको ताड़िया चाहिए, उनको नेता नहीं चाहिए और उनको ना ही कोई कैंडिडेट चाहिए। तो इसलिए अब हमने ठाना है कि अब आपको यहाँ पर बसपा पार्टी चाहिए, बसपा पार्टी चाहिए, और अब हम ठाना है कि आपका अपना आदमी होना चाहिए। या किस तरह का जोर है इमरान भाई का, जिस इमरान का भाई दौरा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, किस तरह का जोर है? इमरान भाई को सब जगह रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी मात्रा में भीड़ उमड़ रही है, सब देखने चाह रहे हैं, नया लड़का है, नया काम करवाएगा, नया जोश है, और हमको लगता है कि भारी वोटों से विजय पाएंगे और अब की बार पूरे हिंदुस्तान में बसपा मायावती की सरकार बनेगी और वो प्रधानमंत्री बनेगी, ये हमें विश्वास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरसलीम खान है।